हाय गाइस, अगर आपके पास एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी है और आप उसमें यूट्यूब यूज करते हैं और आपको साइन इन से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा था, तो फाइनली यूट्यूब की तरफ से एक नया अपडेट आया जिसकी हेल्प से आप सारी चीज़ें इजीली कर पाओगे। तो अब जो साइन इन से रिलेटेड जो भी लोगों के टीवी में प्रॉब्लम चल रहा था कि मेरे टीवी में ऑप्शन नहीं आ रहा है या वो टाइप नहीं कर पा रहे या कोई भी दिक्कत चल रहा था, तो इस वीडियो में आपको एक बहुत ही सिंपल वे में बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी यूट्यूब में ईमेल आईडी को अपना लॉगिन कर सकते हो, जो भी आप अपना अकाउंट लॉगिन करना चाहते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, तो लेट्स बिगिन। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप स्मार्ट टीवी यूज़ करते हैं या एंड्रॉयड टीवी, फायर टीवी कुछ भी यूज़ करते हैं, सिंपली आप अपनी टीवी के प्ले स्टोर में जाएंगे। यहाँ पे अगर आपके पास एंड्रॉयड टीवी है तो प्ले स्टोर ओपन करके, एंड अगर फायर टीवी है तो ऐप स्टोर करके आता है, उसमें जाके अपने यूट्यूब ऐप को अपडेट करना है सिंपली। तो देख सकते हो मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें अपडेट कर रखी हैं। तो अगर आप में अपडेट नहीं है तो अपडेट आपको कर लेना है यूट्यूब ऐप को, एंड गूगल प्ले सर्विस का भी अपडेट आता है उसको भी अपडेट कर लेना है, ठीक है। अपडेट हो जाने के बाद सिंपली आपको अपने यूट्यूब ऐप को ओपन कर लेना है, एंड यहाँ पे आपको साइन इन का जो ऑप्शन मिलता है इसको ओपन करना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अब आपको कुछ इस तरीके से QR कोड देखने को मिल जाएगा जिसके थ्रू आप लॉगिन कर पाओगे। सो अब आपको क्या करना है, सिंपली अपने फ़ोन को ओपन कर लेना है, एंड इसमें आपको एक बेसिकली लेंस करके एक आपको एक ऐप मिलेगा आपके फ़ोन में गूगल लेंस करके। नहीं है तो आप कोई भी एक स्कैनर यूज कर सकते हो, मेरे पास गूगल लेंस है इसको मैं यूज कर रहा हूँ। एंड इसको जो QR कोड हमें दिख रहा है इसको हमें स्कैन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने स्कैन कर लिया है, एंड सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा बहुत, तो देख सकते हो स्कैन करने के बाद आपको एक यहीं पे लिंक मिलेगा जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो स्कैन अभी हुआ था, देख सकते हो यहाँ पे एक लिंक मिल रहा है youtube.com करके, इसी लिंक पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको ये रिडायरेक्ट कर देता है एक साइट पे, तो आपको सिंपली यहाँ पे वेट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसको हल्का सा जूम कर देता हूँ और कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो मेरे पास जो टीवी यूज करूँ, मेरे जो सारे जो फ़ोन होते हैं वाईफाई से कनेक्टेड हैं, इस वजह से मेरे जो यहाँ पे देख सकते हो कोड ऑलरेडी यहाँ पे एंटर्ड है, तो ऑटोमेटिक एंटर है। आपके फ़ोन में ऐसा हो सकता है कि ये जो कोड है वो एंटर ना मिले, तो आपको सिंपली मैनुअली एंटर करना होगा, ठीक है। अगर आपका कोड मैच नहीं करता तो यहाँ पे जो कोड दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे देख सकते हो टीवी में, सिंपली आपको कोड यहाँ पे एंटर कर लेना है। मेरे में ऑलरेडी एंटर है, आपके पास फ़ोन में भी ऐसा आ सकता है। नहीं आता है तो आपको सिंपली यहाँ पे मैनुअली एंटर कर लेना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी जो भी आप जीमेल से लॉगिन करना चाहते हो उसको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेरीफाई इट्स यू करके आ रहा है, सिंपली आपको इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको परमिशन दे देना है अलाउ करके, एंड फाइनली देख सकते हो सक्सेस डिवाइस कनेक्टेड, एंड आपके जो टीवी में सेम तरीके से सारी जो डिवाइस लॉगिन है वो हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है जिसके थ्रू आप अपने टीवी में अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो। सो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, बाकी कोई भी क्वेश्चन या डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।